सजना है मुझे सजना के लिए, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, और दूर रहे भी तो कैसे, करवा चौथ जो है, करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। ये व्रत पति की लंबी आयु की कामना के साथ महिलाएं रखती हैं, और हर सुहागन बस यही चाहती है कि ऐ काश देखूं मैं आज की रात चांद और पिया दोनों को साथ साथ। नमस्कार, मैं हूं ऋषिका और आप देख रहे हैं दखल न्यूज। करवा चौथ व्रत का इंतजार हर सुहागन को रहता है, उनके पति भी उतने ही उत्साहित होते हैं। हम इस वक्त सावरिया डिजाइनर लॉन्च में हैं और आप देख सकते हैं कितनी धूमधाम से लेडीज करवा चौथ की तैयारियां कर रही हैं। अंकल किस तरह की डिमांड है आंटी की, क्या साड़ी दिलाने के लिए लाए हैं आप? करवा चौथ ऑब्वियसली उस दिन तो साड़ी दिलाना तो बनता ही है, और भी चीजें ली जाती है, मगर साड़ी भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो कोशिश यही करते हैं कि पसंद की साड़ी दिला दी जाए। दशहरा खत्म होते ही तैयारी शुरू हो जाती है करवा चौथ की, तो वो तो करवा चौथ तक चलती रहेगी। क्या आप आंटी के लिए लेना पसंद करें? महिलाओं को ज्वेलरी का बहुत शौक रहता है, और हमारी श्रीमती जो है ये ऑलवेज जो है ओरिजिनल गोल्ड ज्वेलरी पहनती, आर्टिफिशियल पसंद नहीं करती। करवा चौथ है लेडीज़ का स्पेशल फेस्टिवल है, तो लेडीज़ क्या लेना ज़्यादा पसंद करती है, गोल्ड या डायमंड? लेडीज़ तो डायमंड में भी पसंद करते हैं, गोल्ड में भी पसंद करते हैं, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है वो डायमंड ज्वेलरी है। तो जैसे डायमंड ज्वेलरी इसमें अभी और रोज़ गोल्ड में है, नेकलेस हुए, चेन हुए, ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और दुल्हन की तरह सजती हैं, और अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में तरक्की के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ का त्यौहार पूरे उत्तर भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। करवा चौथ का त्यौहार सरगी खाकर शुरू किया जाता है, और सरगी सूर्योदय से पहले खाई जाती है। सरगी सास अपनी बहुओं को देती है। सरगी की थाली में स्वादिष्ट भोजन पकवान होते हैं। पूजा में पहनने के लिए गहने कपड़े व श्रृंगार का सामान होता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं, इसके बाद सास द्वारा दी गई सरगी खाकर निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं। फिर शाम को महिलाएं 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं और चौक पूर कर पूरे शिव परिवार की आकृति बनाती हैं, या करवा चौथ का कैलेंडर लगाकर करवा चौथ की कथा पढ़कर पूजा करती हैं। ये पूजा सामूहिक भी होती है। भोपाल में और मध्य प्रदेश में जो चंद्रमा निकलने का मुहूर्त है वो 8:55 रात्रि से लेकर 9:10 के बीच में चंद्रोदय होना चाहिए, और पूजा अर्चना जैसे कि हमारे यहाँ शिव परिवार की पूजा है क्योंकि प्रदोष काल में की जाती है, शाम को 4:30 के आसपास जो हमारी जितनी भी बहनें हैं वो सब तैयार होके श्रृंगार के साथ जाएं और शिवालय में या कहीं भी इकट्ठी होती हैं वहाँ पर वो पूजा करें, करवा एक दूसरे के साथ बांटें और पूजा अर्चना करें। उसके बाद चाहें तो वो थोड़ा सा जल ले सकती हैं, क्योंकि सुबह प्रातःकाल से वो भूखी होती हैं, तो उनको इस प्रकार से करवा चौथ की पूजा अर्चना करना चाहिए। पूजा होने के बाद इन्हें इंतज़ार होता है कि ऐ काश देखूं मैं आज की रात चांद और पिया दोनों को साथ साथ। जब चंद्रोदय होता है तब महिलाएं चांद का पूजन करती हैं, अर्घ देती हैं और छन्नी की ओट से दिए की रोशनी में पति के दर्शन करती हैं। वैवाहिक जीवन में खुशियों और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके अपना व्रत खोलती हैं और सास से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लेती हैं। वह सास को सुहाग की सामग्री भी भेंट करती हैं। दखल न्यूज की ओर से आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।